हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम वैष्णो देवी से निकल चुके हैं और पहुँचे हैं अमृतसर। और अमृतसर में सबसे पहले हम अटारी बॉर्डर यानी कि वाघा बॉर्डर देखने के लिए गए हैं, और वहाँ पर भी हम फ्लैग सेरेमनी देखने गए हैं। और फ्लैग सेरेमनी शाम को 5 बजे से शुरू होती है और 5 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो वहीं हम देखने के लिए आए हैं यहाँ पर फ्लैग सेरेमनी। और यहाँ देखिए जवान लोग तिरंगा दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग यहाँ पर तिरंगा फहराते हैं और एक एक करके ये तिरंगा सभी लोग फहराएंगे। ये देखिए लाइन में लगे हुए हैं सभी जने। और यहाँ पर मैंने अपनी गुड़िया को भी तिरंगा फहराने के लिए भेजा है। और यहाँ देखिए कितने लोग आए हुए हैं, और इससे पता पड़ता है कि हमारे देशवासियों के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। वो अपने देश के लिए कुछ भी कर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ देखिए गुड़िया भी तिरंगे को लेकर फहरा रही है। और इन जवानों को देखकर एक अलग ही जोश आ जाता है। और सलाम है इन सभी जवानों को जो हमारी रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, दिन रात हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देश की सीमाओं पर खड़े रहते हैं और हमारी देशवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते हैं। तो इन लोगों को सलाम है, दिल से सलाम है इन लोगों को। और मैं उन माओं को सर झुका के नमन करती हूँ, उन पत्नियों को सर झुका के नमन करती हूँ और उन बहनों को नमन करती हूँ जो अपने भाइयों को, अपने पतियों को और अपने बेटों को सरहद पर लड़ने के लिए भेजती है। शायद ही उनसे बड़ा कोई और है जो अपनों दिल के टुकड़े को सरहद पर भेजती है, जो अपने मांग के सिंदूर को सरहद पर लड़ने के लिए भेजती है और जो अपने भाइयों को सरहद पर लड़ने के लिए भेजती है ताकि दूसरी बहनों के भाई सलामत रहे, दूसरी देश के माओं के बेटे सलामत रहे और दूसरे पत्नियों के पति सलामत रहे। मैं उन माओं, पत्नियों और बहनों को नतमस्तक करती हूँ। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर उनके सम्मान के लिए, आप जहाँ पे भी आर्मी के लोगों को देखें उनके सम्मान के लिए उनको सैल्यूट ज़रूर करें। ये ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, बस इनका सम्मान करें। इनकी वजह से ही आज हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं। तो यहाँ लोग देखिए गाना चल रहा है देशभक्ति और यहाँ सभी डांस कर रहे हैं। और वहाँ सामने बड़ी सी LED दिख रही है, लग रही है, ताकि पीछे के लोग भी आराम से देख सकें। और यहाँ गर्मी बहुत लग रही थी और यहाँ मम्मी और ये मेरे भाभी और वो मेरे भाई खड़ा है। एक
माधव इस जेसीपी से सटा एक पाकिस्तानी गांव है। स्वतंत्रता के पश्चात इस चेकपोस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 11 अक्टूबर 1947 को फहराया गया। 50 के दशक के सबसे पहले सन 1952 में आरंभ किया गया था। इसमें सूर्यास्त के समय भारत एवं पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वजों को सम्मान उतारने का समारोह आयोजित किया जाता है। और यहाँ फ्लैग सेरेमनी शुरू हो चुकी है। और ये तिरंगे को लेकर बॉर्डर की तरफ जाते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा शायद, वहाँ सामने पाकिस्तान का झंडा लग रहा है। यही पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर है।
अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो थोड़ी सी भी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।